शिक्षा मंत्री ने आदिवासी समुदाय को एक गाली के रूप में कहा है कि उनका डीएनए टेस्ट कराएंगे, उनका बाप कौन है, उनकी पीढ़िया कौन है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी आए हैं आज, बड़े बुजुर्ग भी आए हैं रामकेत जी के साथ। अगर 70 साल के बुजुर्ग का डीएनए टेस्ट कराना है तो भी तैयार है, 20 साल के युवा का डीएनए टेस्ट कराना तो भी तैयार है। मदन दिलावर जी ने पूरे आदिवासी समुदाय को चैलेंज किया है और ये अब रुकने वाला नहीं है। भाजपा को भी कहना चाहेंगे कि आपके इस तरह के मंत्री को मंत्री पद से हटाया जाए तुरंत, और मदन दिलावर जी स्वयं आदिवासी समुदाय से माफी मांगे क्योंकि पूरे आदिवासी समुदाय के लिए लांछन रखा है। और ये नहीं किया तो आने वाले समय में पूरे देश के कोने में इस बात को लेकर आवाज उठाई जाएगी, लोकसभा और विधानसभा में भी इस बात को आवाज उठाई जाएगी और सरकार को घेरा जाएगा। और सड़कों पे भी आदिवासी समुदाय के क्षेत्र में भी इन प्रकार के विधायकों को, इस प्रकार के मंत्रियों को नहीं घुसने दिया जाएगा। उन्होंने कहा है, शिक्षा मंत्री ने ये कहा है कि जो बयान था उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। कोई तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किया गया, स्पष्ट कहा गया, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आदिवासियों के डीएनए का टेस्ट कराएंगे, उनके बाप कौन है, स्पष्ट कहा गया है। वो बदल रहे हैं उनके बयानों से, चुप हो रहे हैं, वो भाग रहे हैं उनके बयानों से। कांग्रेस पे लगातार हमलावर हो रही है। कांग्रेस के भाई, ये कांग्रेस या बीएपी या बीजेपी का मामला नहीं है, ये कौम का मामला है। आदिवासी कौम में पैदा हुआ हर विधायक, हमारे यहाँ रामकेत जी कांग्रेस से विधायक है लेकिन वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। कोई बीएसपी के भी हैं कुछ लोग, कई लोग अन्य पार्टी के भी हैं। हम सब लोग मिलके भाजपा को घेरने का काम करेंगे क्योंकि भाजपा के मंत्री है, भाजपा की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे मंत्री को पद से हटाया जाए। प्रशासन खड़ा है यहाँ पे, आपको आगे नहीं जाने दिया। हम प्रयास करेंगे, अग नहीं जाने देंगे, कैसे नहीं जाने देंगे।